तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर वन, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यार ग्रैनी की वीडियो अपलोड नहीं करी और मैंने ग्रैनी की तो अभी तक एस्केप ही नहीं किया है। वन चैप्टर मैंने ग्रैनी टू और ग्रैनी थ्री में तो सारे एस्केप कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं मैंने अभी तक ग्रैनी क्यों नहीं एस्केप किया। चलो आज ग्रैनी को ही एस्केप कर देते हैं। मेरा मन तो कार एस्केप करने का है वैसे, लेकिन फिर दो एस्केप भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भी कोई एस्केप हो, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा ग्रैनी आ चुकी है। वैसे तो मैंने उसको देख लिया था, हल्की सी नज़र पड़ गई थी मेरी उसके ऊपर, बाकी और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे पार्ट और शॉटगन मिला मुझे, यहाँ पे मुझे एक रास्ता पता चला, मेरे को पिछली वीडियो में पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे टेडी होता है। लेकिन टेडी को सिलेंडरीना को देने का कोई फ़ायदा नहीं देखो, क्योंकि वो ग्रैनी वन में तो अपने को परेशान यूँ भी नहीं करती और उसको भगा के भी वो अपने कोई चीज़ नहीं दे के जाती, तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसको भगा के। फिर भी अगर कुछ नहीं मिलेगा अपने को करने के लिए तो अपन उसको भगा ही देंगे बाकी। अरे यार ग्रैनी जल्दी आ, जल्दी, अरे जल्दी आ। चलो मैं ये वाली भी आवाज़ कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को बाद में भी करनी ही है। अभी यहाँ पे आई है तो ट्रैप फंसने के वाला हुआ, इससे कुछ होता ही नहीं, ये बस ट्रैप ही फंसा सकती है और ये कुछ नहीं कर सकती। ओके तो यहाँ पे शॉटगन का जो पार्ट है वो लगा देते, क्योंकि मतलब शॉटगन बनानी पड़ती है अपने को इस गेम के अंदर। वेपन भी होता होगा, चेन कटर, इससे वायर कटती होंगी, पता नहीं गाइस बाद में चेक। अभी मजा आएगा ना वीडियो, आज तो लकी डे भाई, शुरू में ही वेपन की मिल चुकी है। मतलब रिकॉर्डिंग चालू करे सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है और अपने को वेपन की मिल चुकी है, जो बहुत ज़्यादा मत्था पच्ची करने के बाद मिलती है। ग्रैनी टू और ग्रैनी थ्री में तो हालत ख़राब हो जाती है वेपन की के लिए। बाकी यार ये गेम बहुत ज़्यादा टफ है, मैं बता दूँ। ग्रैनी टू और ग्रैनी थ्री में मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता यार, लेकिन ये तो मुझे चलाने नहीं आता। तब तो तुम सेफ हो, शाबाश शाबाश। सच्ची मजाक नहीं कर रहा, मेरे को चलाना ही नहीं आता, इसका नाम भी मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर भी चलो शूट दबा के देख लेंगे, मर जाएगी तो बढ़िया बात है। मार दिया भाई, मार दिया, मेरे को लगा नहीं था मेरे से मरेगी वो, मेरे को मार के चली जाएगी, मेरे को लगा था। ग्रैनी हट जा, अरे हट जा। ओके तो यहाँ पे है, ओ इंजन पार्ट मिल गया, बहुत बढ़िया गाइस। अब तो कार एस्केप ही करेंगे, कार एस्केप ही करेंगे। देखो मुझे और क्या चाहिए, बाकी तो मुझे और कुछ पता नहीं है कि क्या क्या होता है, वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। कितने ट्रैप फंसाती आ रही है घर में। ओके तो हमें चाहिए रेंच, इसको टाइट करना है नट इसके। और क्या चाहिए, शायद तक कार बैटरी भी लगेगी, गैसोलीन कैन भी लगेगा, क्योंकि गैसोलीन कैन के बिना तो कोई एस्केप नहीं होता, कोई व्हीकल एस्केप ही नहीं होता। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है भाई, गैसोलीन कैन नहीं बोल रहा था और गैसोलीन कैन ही मिल गया, आज तो बहुत बढ़िया किस्मत है। मैंने कार के पास में फेंक दिया, ग्रैनी के आने से पहले अपन ऊपर निकल जाते हैं। ओके तो चलो यार, इसका घर दिखता तो छोटा सा, इतना बड़ा है अंदर से, ज़्यादा ही बड़े बेसमेंट बना दिए इसने। अब यहाँ यहीं से ही चले जाते हैं। अरे मैं सोच रहा था वहाँ पे इतना बड़ा चक्कर लगाऊंगा और आवाज़ भी कर दी, ग्रैनी आएगी। 2000 years later. अरे भाई 2000 घंटे वेट करने के बाद, खेलने के बाद अभी भी है यहीं खड़ी थी। ओके तो मुझे क्या क्या, ये दरवाजे को तो खोलने के लिए देखो सामने प्लैंक लगे तो हैमर लगेगा, पेडलॉक की भी लगेगी, डोर हैंडल भी लगता है टू में, तो इसका मुझे पता नहीं है फिलहाल। ये प्ले हाउस की लग तो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ मिल तो जाएगा ना ऐसे। अरे भाई तू तो मुझसे ही मांग रहा, मैं तो तेरे भरोसे आया था। ये ग्रैनी को जरा भी चैन नहीं है, पूरे घर में इधर इसको इधर उधर ढोलना है। सीधी सी बात है, देखो यार अपने को मरना तो है ग्रैनी के घर में, या तो देखो अगर ग्रैनी के घर में मरना तो है ही, सीधी सी बात है। अगर तुम लोग रिस्क लेके चले जाते हो तो हो सकता है तुम निकल भी जाओ, नहीं तो मरना तो है ही यू भी। लेकिन लिटरली यार ग्रैनी वन ज़्यादा ही खतरनाक है, ग्रैनी थ्री और ग्रैनी जो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इंसान को एक काम नहीं करने देती चैन से, खुद तो भूत है ही सही। हाँ मतलब ग्रैनी टू और ग्रैनी थ्री में अपन आराम से ग्रैनी ग्रैंडपा को संभाल लेते, लेकिन ग्रैनी वन मेरे से एस्केप ही नहीं होता। अरे इसमें चीज़ें ही नहीं मिलती यार, पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। दो दो ट्रैप यार, फंसना ही है इसमें तो, कहाँ से निकलो तुम ही लोग बता दो। अरे अरे मैं तो भाग रहा था, नहीं यार एक तो कान में इतना जोर से चिल्लाती है ना ये,
और पता है तुम लोग बताना, तुमको ग्रैनी टू, ग्रैनी थ्री या ग्रैनी फोर में से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगता है? वैसे ग्रैनी फोर डेवलपर ने नहीं बनाया है, डेवलपर ने नहीं बनाया है, वो फैन मेड है, तो हम उसे गिनती में नहीं लेंगे। तो लेकिन फिर भी तुम्हें तीनों ग्रैनी में से कौन सी ग्रैनी पसंद है मुझे कमेंट करके बता देना। और जब अभी अभी भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। बाकी मुझे कुछ खास चीज़ मिल ही नहीं रही है। ओह, मेरे को एक ट्रिक का पता चला था, तुम लोगों को ट्रिक का पता है कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। मैं वो ट्रिक अभी अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे आवाज़ कर दी ग्रैनी आएगी, अब मुझे नीचे कूद लेने, तो उसके बाद मैं वो तुमको ट्रिक बताऊँगा यहाँ पे आके, ठीक है? ग्रैनी खुद ये फट्टे खोल के जाएगी, बताए प्लैंक, अरे वाह आ गई, अब मैं नीचे कूद जाता हूँ। मुझे चाहिए अब कोई चीज़ जिससे मैं आवाज़ क्रिएट कर सकूँ। अरे वाह, इससे तो बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। फ्लावर पॉट, आ जाओ, इसको घुमा के लाऊंगा ग्रैनी को। आ जा, आ जा, पीछे जल्दी आ। अब हम चले जाएंगे ऊपर और ग्रैनी को दिखा देंगे ऊपर। तो चलो, अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूंगा, ये उस साइड गिर गया है, अब मैं छुप जाऊँगा, अब ग्रैनी आएगी। ओके, तो ग्रैनी खोल रही है। मिशन पास्ट प्लस रिस्पेक्ट। वैसे ये मेरा दूसरी बार में हुआ है, मैंने एक बार बुक से भी ट्राई किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो मैंने डाला नहीं सीन। बाकी तुम लोग चाहते हो मैं GTA San Andreas भी खेलूं, उसकी स्टोरी सॉल्व करूं, वैसे मैंने अभी तक खेला नहीं है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना मुझे खेलना चाहिए या फिर नहीं। बाकी यार यहाँ पे अपने को चाहिए वायर कटर। बाकी मैं ग्रैनी में ही स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे ग्रैनी 2-3 बहुत ज़्यादा पसंद है, 1 मुझे इतना खास पसंद नहीं है। चेन कटर से कट जाएगी क्या है वायर? लेकिन ये वुडन स्टिक कहाँ काम आती है यार? ये सीवियर एस्केप का नाम सुना है मैंने, शायद उधर ही काम आती होगी ये। गिर गया केज। ओके, ग्रैनी उधर गई है यार। ग्रैनी अपने को इधर नहीं देख पाती, पता है? अपन इधर रहते केज के अंदर, पता नहीं क्या मिस्टर इंडियन में जाते अपन। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ मिल तो नहीं रहा। ग्रैनी तो ऊपर है, सीधी सी बात है, मैंने फ़ोटोज़ गिरा दी, वो आती होगी। मैंने घंटी बजा दी है दरवाजे की। यहाँ पे मुझे चाहिए हैमर चाहिए। ओके, ये चोर समझती है हमें, हमारे इसके घर का है। सोने गार्ड रखे हैं क्या तूने? तो तेरे घर में हम चोरी करने आएंगे, तो बस हमें निकल जाने थे यार। लेकिन एक सीधी सी बात है, ग्रैनी देखो मानते हैं वो है, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी है। अगर लिटरली में हम फंसे तो हम उसके सर पे डंडा वंडा मार के भाग सकते बेहोश करके उसको। वो चाबी तो रखती होगी अपनी जेब में, तो वो कैसे बाहर जाती होगी? उसकी जेब से चाबी लेके भाग जाओ, इतना क्या मध्य बच्ची कर दो, कार की लो, फिर ये करो, फिर वो करो। लेकिन क्या कर सकते हैं, दिमाग तो डीवी लॉपर का है। अगर मैं रियल में बात करूँ, रियल में फंस जाएगा, लेकिन रियल में फंसेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने दिन तक खाना ही नहीं देगी, और इतना बैलन मारेंगे तो मर ही जाएंगे अपन। ओके, तो यहाँ पे कार की में हमें मिला वाटरमेलन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले गैसोलीन कैंसिस के अंदर पेट्रोल भर देते हैं, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो चलने ही नहीं वाली। ओके, तो हमने पेट्रोल भर, वो ग्रैनी भी आ गई, आ जाते, वो चक्कर कटाऊंगा, आ जा। हमने इसको, ओके, तो हम इसको चोमू बना के जा चलते ऊपर। और अरे अरे भाई, हार्ट अटैक आ गया था जब निकला नहीं था, इसका पैर फंस गया था। ओके, वाटरमेलन को हम काट देते हैं, और हमें मिला है स्पार्क प्लग ना। हाँ, स्पार्क प्लग, यार स्पार्क प्लग ग्रैनी 2 में यही था ना? हाँ, यही वाला है, मुझे लगा दूसरा होगा। एक तो जो ग्रैनी में 1 में जो वेपन बनाने का होता है ना, ये शॉटगन का पार्ट, वो भी इसके जैसा ही दिखता है, ऊपर जो पड़ा हुआ है, देखना मैं दिखाऊंगा। तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान की स्पार्क प्लग क्या और वो क्या है। बाकी तुम लोगों का ग्रैनी कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट में बता देना। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था जो पड़ा हुआ था। यहाँ पे कुछ नहीं है, मिलता भी नहीं है कभी कुछ। यहाँ पे क्या, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल से क्या होता है? अरे यार, स्प्रे मिलेगा यार, पेपर स्प्रे। मेरे को ग्रैनी को मारना ही नहीं है यार, मुझे ग्रैनी को मार के मिलेगा क्या? मुझे तो एस्केप करना है भाई। ओके, आज अब ग्रैनी के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कभी पेपर स्प्रे मारा नहीं है ग्रैनी के ऊपर। ग्रैनी, ओ ग्रैनी, नीचे आ जा। हाँ, नीचे नीचे नीचे। ओ,
ओ भाई क्या रियलिस्टिक फील आ रही थी इसके ऊपर स्प्रे करके। ओके तो बाकी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यार, मेरे को गेम में और कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या नहीं। हाँ मेरे को चेन कटर लेके ज़रूर जाना चाहिए एक बार ऊपर, और मैं जाऊँगा एक बार, मेरे को कार के पास में जा लेने तो कोई काम वगैरह होगा तो, क्योंकि अभी तो मेरा कम ही है, कितना दूसरा तीसरा दिन ही है मेरा गेम के अंदर। ओके तो फिर से आ जा। ओके तो इस बार हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ओ रे वाह बर्ड सीड्स, ये कौवे को डालना पड़ता है ना, वो कौवे के नीचे भी कुछ मिलता है और हमें मिला है कॉगविल। कॉगविल तो प्ले हाउस में ही लगता है ना। अरे बाबा, अरे अब तो चल जा भाई, एक और कॉगविल चाहिए इसको। शे और मिलेगा मुझे लगता है कार बैटरी मिलेगी, और मुझे कार बैटरी ही चाहिए सिर्फ एस्केप करने के लिए। कार एस्केप मेरा नहीं नहीं नहीं, पैडलॉक की भी तो लगेगी ना। ओ की प्लेट, अरे मैं तेरे घर की प्लेट देख रहा था यार, इसने तो ऐसे ही आके मार दिया, मैं तो प्लेट देख रहा था इसके घर की। क्या हो, मुझे लगा आवाज़ आई कोई। तो यहाँ पे चाहिए हमें कटिंग प्लायर, अरे कटिंग चेनर से काम नहीं चलेगा क्या। ओ पार्ट ऑफ शॉटगन, चलो लगाया था इसको भी, और कोई तो काम मुझे मिल नहीं रहा है फिलहाल। ग्रैनी को ही मार के कर लेंगे टाइम पास अपना। ओके तो ये रहा, बस अब हम हाँ चेन कटर से ट्राई कर लेते हैं वायर कटती है कि नहीं कटती। ये इधर ट्राई कर लेते, इधर भी वायर का रहता है ना एक। ओके तो जो करंट सप्लाई इधर भी होता है, ग्रैनी टू में भी करंट सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक डोर वाला, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है ग्रैनी टू वाला, लेकिन वो हो तो जाता है भाई, ये ख़त्म ही नहीं होता भाई, क्या गेम बना रखा है। ओके तो हम ऊपर चले जाते और ऊपर जाके भी वायर काट देते। मेरे ख्याल से रेंच में अपने को कार का ही काम है, वो टाइट करने अपने को पुर्जे उसके। ओके तो रेंच को नीचे से फेंक देते, ग्रैनी आ रही ऊपर, अपने को ही रहेगा सही, नीचे रह ग्रैनी यार। और एक गिर गया, शिट यार, मेरे को लगा नहीं था मैं गिर जाऊंगा, मैं तो प्रो की तरह जा रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो अपने पास कितना दो दिन और हैं। ओके चेन कटर रेंच, देखो मेरे पास रेंच के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मुझे बैटरी अगर मिलेगी तो कॉगविल वाले में मिलेगी मुझे लगता है, और कॉगविल मेरे से मिल ही नहीं रहा है, और मुझे ना पेडलॉक ही मिल रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे डोर एस्केप ही कर लेना चाहिए। डोर एस्केप के लिए एक तो हैमर लगेगा, बाकी और क्या लगेगा मुझे जाके देखना पड़ेगा एक बार। और इसको देखो, एक तो ये कार्ड दी, हो गया ग्रीन हो गया, आई नीड पैडलॉक, आई नीड, अरे देख तो लेने दे, मुझे नहीं लगता मैं इसके कर पाऊंगा यार, क्योंकि ना कोई चीज़ मिल रही है मेरे को फिलहाल तो, मास्टर की भी नहीं मिली मुझे, वैसे स्पाइडर की और स्पेशल की भी नहीं मिली है। स्पाइडर की तो शायद वो चेवर एस्केप के लिए लगती है, सीवर एस्केप के लिए ना। ओके पेपर स्प्रे यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। ओ पीस ऑफ पेपर का क्या काम होता है, पिक्चर सॉरी, ग्रैनी टू में तो हम लोग उस साइड चले जाते थे पीस ऑफ पिक्चर के, ठीक है, इसमें क्या काम होता है ये शायद वहाँ पर लगता हो यार प्ले हाउस में। तो ये व्हील क्रैंक का काम क्या होता है, देखो व्हील क्रैंक मेरे ख्याल से ग्रैनी टू में भी होता है, और वहाँ पे वो जो दरवाजे के पीछे आगे केज होता है वो खुल जाता है। ये डब्बा गिरा देता हूँ, ग्रैनी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है। देख लेंगे यार जो भी है, यहाँ पे क्या है यार, चेक कर लेते बेसिंगों में, कुछ मास्टर की पेडलॉक की वगैरह कुछ मिल पीस। अरे भाई हम तो तुम्हारे घर का टूर दे रहे थे, हाँ मालूम है तू यहाँ से फेंकेगी। बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके मार दे फिर खेलेगी किसके साथ हाइड एंड सीक।